स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये समझाया कि कैसे आप वैलेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो पॉलीएटॉमिक होते हैं, मतलब जिनमें एक से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो कॉमनली उनको रेडिकल्स कहते हैं, ठीक है। तो जब उनमें अगर एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है तो कैसे आप वैलेंसी कैलकुलेट करें, तो जब भी उनकी एक स्टैंडर्ड वैलेंसी को कैलकुलेट करके उसी को याद कर लेते हैं, जिससे आसानी से हम केमिकल फॉर्मूला को फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए, सोडियम में Na पॉजिटिव है तो उसकी वैलेंसी 1 होगी, ये तो हम निकाल भी सकते हैं और हमें पता भी है। पोटेशियम के Ka पॉजिटिव, सिल्वर में इसका फॉर्मूला होता है Ag, Ag पॉजिटिव, कॉपर 1, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्यूप्रस, तो उसकी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। जिसके ऊपर 1 चार्ज है उसकी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है, याद रखना है। मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव, इसकी वैलेंसी 2 होती है। कैल्शियम C2 पॉजिटिव, जिंक देखिए Zn2 पॉजिटिव, इसकी भी वैलेंसी 2 होगी। और आयरन देखिए 2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, इसे हम कहते हैं फेरस, ठीक है। और कॉपर C2 पॉजिटिव, क्यूप्रिक, ओके। एल्युमिनियम Al3 पॉजिटिव, आयरन Fe3 पॉजिटिव, फेरिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन H पॉजिटिव, हाइड्राइड H नेगेटिव, ये आपको लिखने हैं और याद करने हैं, जिनसे आपको चीजें और ज्यादा आसान हो जाएंगी। क्लोराइड Cl नेगेटिव, ब्रोमाइड Br नेगेटिव, आयोडाइड I नेगेटिव, ठीक है, ऑक्साइड O2 नेगेटिव, सल्फाइड S2 नेगेटिव, ठीक है। और अगर मैं इसमें और ऐड करूं तो सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव का मतलब इसकी वैलेंसी 2 है। तो सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है, S2, इसकी भी वैलेंसी सबके 2। नाइट्राइड N3 नेगेटिव, ये N और 3 नेगेटिव, ठीक है। अमोनियम NH4 पॉजिटिव, ये 4 है, NH4 पॉजिटिव। हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, मतलब 1 वैलेंसी, -1। कार्बोनेट, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो HCO3 नेगेटिव, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव। सल्फाइड जो मैंने बताया यहाँ पे SO3 2 नेगेटिव, सल्फेट जो मैंने लिखा यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव, फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव, ठीक है। तो ये सभी जो रेडिकल्स हैं इनकी वैलेंसीज आपको मालूम होनी चाहिए, जिससे आप इजीली केमिकल फॉर्मूला को फॉर्म कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं कैसे हम इनको यूज करके केमिकल फॉर्मूला को बना सकते हैं। चलिए, ओके, ये क्वेश्चन से इनको ड्रॉप सॉल्व कर लीजिए आप, स्पेशली वैलेंसी वाला टर्म तो आपको सॉल्व करना है, और रिमेनिंग क्वेश्चन के सॉल्यूशन को जल्दी से मुझे ग्रुप में इनके आंसर्स को सेंड कीजिए। अब देखिए कुछ रूल आपको याद रखने हैं कि जब आप केमिकल फॉर्मूला को लिखें, ठीक है, क्या रूल है, देखिए द वैलेंसी और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस्ड एग्जैक्टली, जो चार्जेस होते हैं वो बैलेंस हो जाए, मतलब जो नेगेटिव नेगेटिव है वो आपस में कट हो जाए और पॉजिटिव नेगेटिव भी कट हो जाए। तो व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट एग्जैक्टली। तो अगर किसी भी कंपाउंड में दो चीजें हैं, एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, तो आपको मेटल को हमेशा पहले प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो तो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए उसकी प्रेफरेंस पहले होगी। तो इन अ कंपाउंड फॉर्म ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन, द आयन इज इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर और टू इंडिकेट द रेशियो एग्जैक्टली। अगर किसी कंपाउंड में पॉलीएटॉमिक एटम्स है तो आप कैसे लिख रहे हैं, जैसे मैं बात करूं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको जो आयंस है उनको ब्रैकेट में इनक्लोज करना है, ये बता रहा है आपको, ठीक है। अभी आप सीख जाएंगे, मैं सिखाऊंगा आपको कैसे आपको फॉर्मूला बनाना है। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में आपको आयंस को इनक्लोज करना है, जिससे नंबर ऑफ एटम्स इजीली सेपरेट हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड, कैसे आपको फॉर्मूला लिखना, देखिए व्हाइल राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला कंपाउंड वी राइट द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट एंड देयर वैलेंसीज, राइट। तो सबसे पहले देखिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है हाइड्रोजन क्लोराइड का, तो आपको एक साइड पे उसका सिंबल लिखना है, देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये फॉर्मूला आपको गिवन है, देखिए, ठीक है, ये आपको नेम गिवन है और आपको इसका फॉर्मूला बनाना है। तो इसका हाइड्रोजन है और क्लोराइड मींस क्लोरीन है, दोनों की वैलेंसी है इसमें, और आपको फिर क्रॉस करना है, ठीक है। क्रॉस करने से क्या होगा, इनके वैलेंसी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और इनका बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड बनने से क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला HCl बन गया,
क्लियर। अगर मैं बात करूं सोडियम, मुझे बोल दिया देखिए एग्जाम में कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी हाइड्रोक्साइड मैंने आगे लिखा था, ठीक है, मुझे पता है कि सोडियम का सिंबल Na है और हाइड्रोक्साइड का OH है। देखिए प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था, अगर इन चीजों को याद कर लेंगे तो आसानी होगी, ठीक है। तो सोडियम का सिंबल वैलेंसी मुझे मालूम है 1 है, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड की भी 1 है, तो क्रॉस होगा, तो क्रॉस होने से फॉर्मूला बन जाएगा NaOH। क्लियर, बहुत सिंपल है। देखिए आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखिए सल्फाइड की वैलेंसी भी उसमें लिखी थी, फॉर्मूला इसका S होता है, वैलेंसी 2 होती है, देखिए क्रॉस हो गया तो इसका फॉर्मूला बन गया H2S। हाइड्रोजन के पास 2 एटम, सल्फर के पास S, तो इससे क्या होगा, देखिए स्टूडेंट इससे ये एडवांटेज है कि आपका जो एरर होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर्मेशन में बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, क्रॉस मेथड, जिससे आप अपने एरर को बिल्कुल मिनिमाइज जीरो कर सकते हैं अगर आप इस फॉर्मूला या इस स्टेप को फॉलो करें। देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा मींस 4, लेकिन बहुत सिंपल है, कार्बन और क्लोरीन, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, क्रॉस कर दिए दोनों को तो कार्बन में 1 एटम, क्लोरीन में 4, तो बन गया CCl4, यही फॉर्मूला होगा। जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेली बेसिस की लाइफ में देखते हैं केमिकल रिएक्शंस में, वो इसी मेथड से फॉर्म होते हैं, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में हर बार पूछा भी जाता है, और अगर आपको रिएक्शन बैलेंस करनी सीखनी है तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। देखिए सेम मैग्नीशियम क्लोराइड, देखिए मैग्नीशियम और क्लोरीन, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, क्लोरीन की -1, ठीक है, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, MgCl2, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इन टेक्निक को यूज करके आप मल्टीपल फॉर्मूलाज बना सकते हैं, मल्टीपल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड बहुत सिंपल है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 पॉजिटिव और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, क्रॉस Al2O3, एल्यूमिनियम के पास, ठीक है, यहाँ पे 2, ठीक है, Al2O3, क्लियर। सेम कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम और ऑक्सीजन दोनों की वैलेंसी 2 है, तो कट होके 1 हो जाएंगे, तो इनका फॉर्मूला क्या बनेगा, CaO, ठीक है। तो ऐसे आप मल्टीपल फॉर्मूलाज फॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैलेंसी। देखिए सोडियम नाइट्रेट NaNO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस वाले फॉर्मूला में क्या है, कैल्शियम या ऑक्सीजन, कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2 और हाइड्रोक्साइड की 1, अगर क्रॉस होगा तो हम क्या लिखेंगे इसको, CaOH2, ताकि इजीली ब्रैकेट से इसको डिफरेंशिएट कर पाए और नंबर ऑफ एटम्स हम डिनोट कर पाए किसके कितने हैं, ठीक है। आगे वेल व्हाट इज द मेंट बाय द टर्म केमिकल फार्मूला, इट्स क्वेश्चन टाइम, सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस और हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट। अगर आपसे एटम्स कैलकुलेट करने को बोले तो देखिए फॉर एग्जांपल आपसे बोले CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में कितने एटम्स हैं, कुछ नहीं करना आपको, क्लोरीन में कितने एटम्स हैं, 1, कार्बन में कितने एटम्स हैं, 1, तो 4+1 विल बी 5, 4 इसके 1 इसके 5, तो सिंपली आप इन फॉर्मूलाज को भी सॉल्व कर सकते हैं कि कितने इसमें एटम्स हैं, आप आसानी से बता सकते हैं, ओके। नाउ होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड हाउ यू वी कैन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।